हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो ये रीडिंग होने वाली है गाइस 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। इन 10 दिनों में आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है एंड आपके रिलेशनशिप का रिसेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम इसमें देखने वाले हैं एंड इसमें हम आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। ओके, सो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो आई एम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। ओके, एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, ओके। कि आपकी एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन की एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके। रिसेंट फ्यूचर, रिसेंट पास्ट द चैरियट, प्रेजेंट 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड फ्यूचर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि आपकी जो एनर्जी है वो टोटली ब्रेक डाउन की है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपको ये फील हो गया है कि आपके पर्सन अब आपके साथ नहीं रहने वाले या फिर नहीं रह सकते। ओके, आप उनके साथ नहीं रह सकते। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत गैप आ चुकी है या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ओके, सो आप बिल्कुल भी अब होपलेस हो चुके हो, किसी भी तरह की आपको होप नहीं बची है बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बिल्कुल भी आपको फीलिंग्स अब आपके पर्सन के लिए नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड न्यू प्लान्स बनाते हुए दिखाई दे रहे गाइज आपके लिए। ओके, आपके पर्सन आपके लिए न्यू प्लान्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओके, ड्रीम स्पेशली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में, स्पेशली अपने माइंड में वो बहुत कुछ आपके साथ आपके लिए सोच रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। ओके, ग्रोथ हमें लाना चाहिए बिकॉज उनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बट किसी भी तरह की एक्शन नहीं दिखाई दे रहा उनके तरफ से। ओके, सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है, उनके थॉट में ये सारी चीज़ें हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट यहाँ पर उनकी तरफ से किसी भी तरह का एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। ओके, किसी भी तरह का एक्शन उनके तरफ से नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ थॉट में वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं आपके आपके रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, आपने बिल्कुल भी अब गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में एंड अब आपको किसी भी तरह की होप नहीं बची इस रिलेशनशिप से। ओके, एंड अगर आपका पास्ट देखा जाए गाइस, सो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओके, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे अपने पास्ट में एंड आप दोनों, आप एंड आपके पर्सन साथ तो थे बट यहाँ पर आप इक्वली किसी तरह के डिसीजन में साथ नहीं थे। ओके, आपके पर्सन कुछ और चाहते थे, आप कुछ और चाहते थे, सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था। ओके, बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, आप अपने थॉट को क्लियर रखना रखते थे अपने पर्सन के सामने। ओके, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। ओके, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातें क्लियर नहीं थी। ओके, सो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी आप दोनों के बीच में पास्ट में। ओके, एंड यहाँ पर प्रेजेंट में है 6 ऑफ स्वॉर्ड, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि अब आप इस रिलेशनशिप प्रेजेंट में गाइज आप अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी होप नहीं रखते। ओके, बिल्कुल भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचना नहीं चाहते बट कहीं ना कहीं आप मिस करते हो इन पर्सन को अभी भी, बट इस पर्सन के बारे में आप आगे कि आप इन पर्सन के साथ कभी आगे बढ़ोगे आपने ये होप छोड़ दी। ओके, एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो एंड अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है आपके करियर के साथ में, अपने रिलेशनशिप जिनके साथ रखना है आपको, सो आप ज़रूर उनकी तरफ एफर्ट लगाओगे। ओके, बिकॉज ये पर्सन से आपने बिल्कुल भी होप छोड़ दी। ओके, सो आपका प्रेजेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा बट आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आपका प्रेजेंट। ओके,
एंड यहाँ पर आपके फ्यूचर में है गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, ओके, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हो, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि आपके फ्यूचर में आपको सब कुछ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पास प्रॉपर्टी होगी, हेल्थ होगी, यहाँ पर फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, बट आप कहीं ना कहीं अकेले रहोगे, ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्यूचर में भी आप बहुत ज़्यादा अकेले फील करोगे, बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पास सब कुछ होगा बट आप जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, वो पर्सन आपके साथ नहीं होंगे, ओके। सो गाइज, आपका फ्यूचर भी मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा इन अ रिलेशनशिप, बट आपके करियर वाइज आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। सो हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। सो यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए कि हेरोपेंट एट ऑफ वन। सो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, ओके, जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जानता है। आप ऐसे पर्सन हो, ओके, आप अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबसे शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग सबसे शेयर नहीं करते, बट आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हो एंड पास्ट में आपने बहुत कुछ सहा है, ओके, इस रिलेशनशिप के अलावा भी आपने आपकी कुछ लाइफ थी एंड उसमें आपने बहुत कुछ सहा है जिसकी वजह से आप आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सो आपको किसी भी तरह की इस प्रॉब्लम आपको इजीली हर्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपने उस तरह से अपने आप को बना लिया। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, जो आपके पास आता है, जो भी आपके साथ रहता है, जो भी आपके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके फ्रेंड्स, उन्हें आप बहुत ज़्यादा लव केयर प्रोवाइड करते हो, बहुत कुछ आप गिविंग हो के उनके लिए, बट जो आपके साथ नहीं रहना चाहता या फिर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, ओके। सो आप ऐसे पर्सन हो मुझे दिखाई दे रहा है एंड आप अपने कोई भी प्रॉब्लम की खुद ही सॉल्यूशन ढूंढने में कैपेबल हो, ओके। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके लाइफ में आगे चलकर बैक टू बैक आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। सो यहाँ पर आपको इजीली ग्रैप उन सारी अपॉर्चुनिटी को करना है बिकॉज यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके रिलेशनशिप वाइज हो, यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन आपके तरफ इंटरेस्ट ले, ओके। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके तरफ एक से ज़्यादा पर्सन इंटरेस्ट ले, ओके। सो आपके रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा मैसेज है यूनिवर्स का कि फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप वाइज एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा आपको प्रपोजल आ सकते हैं, ओके। ओके गाइज, बाय।